बनी, सबसे पहले लेग्रे टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके बनी, हमारा देश जो है 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है, एज अ इंडियन क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील होता है आज हमारा देश इतना दूर तक आ चुका है? हमारे देश का 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। इट्स एन अमृत महोत्सव फॉर ऑल ऑफ अस एंड हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने भी हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, आज उन्हीं के कारण मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बैठी हूँ एंड इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। राइट, और जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है हर घर तिरंगा, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है हर घर तिरंगा, ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। हर घर में तिरंगा होना चाहिए। एक्चुअली मेरे घर में भी आप देख सकते हैं, मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, मेरा तिरंगा। और ये इससे हमारी आगे वाली जनरेशन को भी पता रहेगा कि हमने कितने बलिदान दिए हमारे देश के लिए। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट मोमेंट। Right. और आने वाले 5 साल में और क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप हमारे देश में, क्योंकि ये 75th ईयर है और आगे आने वाले समय में अगर कुछ कहना चाहें आप, क्या क्या चेंजेस? अभी तक तो मेरा देश बहुत सुपर चल रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है। आप देख सकते हो एक वुमेन प्रेसिडेंट लीड कर रही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, एंड आई फील आगे भी हम बहुत बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। हम इतने हमारा जो यूथ पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, सो आई थिंक वी आर गोना डू अमेजिंग वर्क। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ऐसा कोई गाना याद आता है जो आप हमारी ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहें? स्कूल में बचपन में हम बहुत गाते थे वंदे मातरम, तो आई थिंक मैं वही गाना चाहूँगी, कुछ लाइन है उसकी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम, मातरम, वंदे मातरम। ध्वनि, जैसे आपने कहा कि बचपन में आप लोग जो वंदे मातरम गाया करते थे, बचपन की और क्या क्या मेमोरीज है इंडिपेंडेंस डे को लेके, कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करती थी आप, अगर उस बारे में कुछ बताए, स्कूल की अगर कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ? बचपन में इंडिपेंडेंस डे का जो क्रेज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि स्कूल में आपको टीचर्स प्रिपेयर करते हैं, आपको गाना है, आपको वाइट कपड़े पहन के जाते थे हम, यहाँ पे एक बैच हुआ करता था इंडिया का, फिर बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पे, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ये सारी चीज़ें हम करते थे, और फिर स्कूल में जाके असेंबली में स्पीच कहना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत याद है। जबकि एक इंडिपेंडेंस डे को ऐसा हुआ था, मैं मेरे डैड के साथ एक शो पर गई थी जहाँ पे वीरों को श्रद्धांजलि देनी थी, ऐसा कुछ था वो शो, और मैं काफ़ी छोटी थी, मुझे याद भी नहीं मेरी एज क्या थी। तो मेरे डैड ने एक परफॉर्मेंस किया था वहाँ पर जहाँ पे वो गले से वॉर इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स को याद करते हैं, तो वो देखते ही मैं रोने लग गई थी, और मेरे सामने बहुत सारे सैनिक बैठे हुए थे, तो मैंने उनको जाके ऐसे सल्यूट किया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और मुझे याद है कि उन्होंने भी मुझे ऐसे सल्यूट किया था, एंड वो मोमेंट आज भी मुझे मैं याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। सो मेरे अंदर देशभक्ति हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। राइट, गनी, अगर आपके प्रोफेशनल करियर की अगर बात करें तो मिका दी वोटी इतना लोगों ने पसंद किया और प्यार मिला, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे, अगर उस बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताया? मिका दी वोटी से मुझे काफ़ी लोगों ने जाना है और मेरे बारे में जाना है, तो मैं बहुत ही लकी मानती हूँ कि यहाँ से लोग मुझे पहचान रहे हैं, और मुझे यही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि ध्वनि तुम मिमिक्री कैसे कर लेती हो, तुम गा कैसे लेती हो, तुम एक्टिंग कैसे कर लेती हो, तो बस मुझे अच्छा लगता है लोग मेरे अंदर के स्किल्स को यहाँ पर लोगों ने तराशा और लोगों ने उसे समझा और उसे प्यार भी दे रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। कंगना रनौत की जो मिमिक्री आप जो करती है वो लोगों ने बहुत पसंद की है, तो अगर दो लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए?
हेलो, माय नेम इज़ कंगना रनौत एंड टुडे यू नो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं. सो आई जस्ट वांट टू से दैट आप लोग ऐसे ही अपने देश को प्यार करते रहिए बिकॉज हमारे देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू डू फॉर द नेशन. थैंक यू सो मच. आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में एक रियलिटी शो तो आप कर चुकी है, क्या आने वाले समय में रियलिटी शो के ऑफर्स आते हैं जैसे बिग बॉस है, लॉकअप है, तो क्या जाना पसंद करेंगे आप? मुझे हमेशा से नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मेरे अंदर बहुत वो रहता है कि यू नो ये है मुझे एक्सप्लोर करना है. सो बिग बॉस तो आई विल नेवर लीव. आई एम लाइक अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस. बचपन से ऐसा हुआ है कि अगर मम्मी मैं इस घर में जाऊंगी ना तो देखो मैं ऐसे करूंगी, मैं यहाँ पे होती ना मैं इस कंटेस्टेंट की जगह वो बोलती ये बोलती, तो मेरे अंदर वो कीड़ा तो है ही. और बाकी लॉकअप के लिए ऑल्सो आई थिंक आई कैन गो फॉर लॉकअप, मतलब मुझे मज़ा आएगा अगर मुझे दोनों का ऑप्शन अगर मुझे आ जाता है ऑफर तो. यस, मैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ अभी और बहुत जल्द मैं आपको रिवील करना चाहूँगी. इस वक्त मैं रिवील नहीं कर सकती वरना यू नो ना. सो या, और लास्टली इंडिपेंडेंस डे का मौका है, क्या विश करना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है उनके? A very very happy Independence Day everyone. This is Dhwani Pawar और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमको हमारे देश के लिए करना है and हम just love you all. Right, और लहरे टीवी ने भी 35 years complete कर दिए, क्या wishes होगी लहरे टीवी के जो followers हैं और जो viewers हैं उनके लिए? लहरे टीवी आपने 35 इयर्स कंप्लीट कर दिए एंड यू हैव बीन डूइंग अ फैब जॉब. मतलब आई एम सो हैप्पी एंड आप इसी तरह यू नो आगे हमें बहुत एंटरटेन करते रहिए, बहुत सारे न्यूज़ देते रहिए एंड आई एम वेरी कीन. थैंक यू.